MMTC जिस तरीके से अभी टेंशन की चीज़ों के साथ है, लेकिन इसके शेयर ने तो आज भी 8 से 9 रुपये भाग कर दिखा दिया। एक कमेंट आया, सर MMTC में तो लग रहे थे ताले, लेकिन ये तो भाग गया। कि अगर राखी का कोई त्यौहार आया तो राखी जो बिकेंगी, क्या वो राखी के बाद भी बिकेंगी? अब क्या होगा, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। 16 अक्टूबर को यानी कि आज के दिन, यानी कि आज के दिन इस पर कुछ चर्चा होनी थी, लेकिन देखिए कि कंपनियों में कोई बड़ा प्लेयर हाथ लगाता है। आपको पता है फ्यूचर ग्रुप में जब अंबानी जी का नाम जुड़ा तो फ्यूचर ग्रुप भागने लगा। अलोक इंडस्ट्री के साथ भी यही हुआ कि जब मुकेश अंबानी जी अलोक इंडस्ट्री में हिस्सेदारी ले रहे हैं तो वो भागने लगा जी। पर आपको एक और एक दिशा देखनी पड़ेगी कि शेयर मार्केट आसानी से पैसा नहीं देगी। आपको अपनी एनालाइज स्पाइस जेड में आई और उसकी वजह से फ्राइडे के दिन जो स्पाइस जेड भागा, उसके बारे में भी एक चर्चा करेंगे कि कहां हमें अपनी स्थितियों को संभालना चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर रेलवे स्टॉक की, यानी कि सारे जितने भी रेलवे के स्टॉक हैं हमारे व्यू के अनुसार वो सब चर्चाओं में है, ये आपको पता है, क्योंकि सरकार ने काफ़ी अच्छी चीज़ आधुनिकीकरण करने का जो रेलवे में एक जिम्मा उठाया है उसके बारे में भी आज हम एक चर्चा करेंगे। और बात करेंगे MMTC में फिर से तेज़ी, और वो तब जब 23 अक्टूबर को एक उच्च स्तरीय मीटिंग होने वाली है, उसके बावजूद भी MMTC में जो इतनी तेज़ी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बात करेंगे कि वोडाफोन आइडिया की तरह फिर से जो एक फेक न्यूज़ की चीज़ें स्पाइस जेड में आई और उसकी वजह से फ्राइडे के दिन जो स्पाइस जेड भागा, उसके बारे में भी एक चर्चा करेंगे कि कहां हमें अपनी स्थितियों को संभालना चाहिए। अब इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हमें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि न्यूज पर जब तक के उतना विश्वास नहीं करना है जब तक के वो आने वाले कुछ दिनों में उसका सही तरीके से जिसने चीज़ जो बोली है वो एंगल निकल कर ना आए। जब वोडाफोन आइडिया में भी एक न्यूज़ निकल कर आई थी और वो तब आई थी कि कोई इसका अधिग्रहण करने वाला है अमेरिका की तरफ से, तो वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था कि वो सारी चीज़ें हमें बाद में पता लगती है जब एक पुष्टि की तौर पर एक न्यूज़ निकल कर आती है। तो वही हमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि कभी भी किसी चीज़ के लिए हमें ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है और देखना है कि आगे स्थिति। सर देखो, जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी कुछ होगा, वो मार्केट में इफ़ेक्ट डालते हुए दिखेगी। यानी कि जो भी न्यूज़ फाइनेंस की चीज़ों में आ रही है और उनका शेयर कुछ है, तो वो तो मार्केट के दिनों में ही आपको उस पर चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी, भाई इस चीज़ों में हो क्या रहा है। तो हमें उस स्थिति से भी निकलना है कि हमारा यहाँ पर बड़ा जो हम निवेशक हैं टेंशन ले लेते हैं कि भाई न्यूज आई, हमारे पास शेयर नहीं है, अब ऐसा क्या होगा, अब हमारे पास वो शेयर नहीं है क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव न्यूज आ गई। तो उसके लिए भी हमें अलर्ट रहना चाहिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रणनीतियाँ जो है, एक दिन कुछ तो दूसरे दिन कुछ और हो जाती है। मैं आपको फिर बता दूँ, आप अपने व्यू पर काम कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप उस पर काम कर लीजिए, पर आपको एक और एक दिशा देखनी पड़ेगी कि शेयर मार्केट आसानी से पैसा नहीं देगी। आपको अपनी एनालाइज को इतनी महत्वपूर्ण तरीके से अपने ऊपर लेना है कि कोई भी न्यूज आप पे उतना इफेक्ट ना डाले कि उससे इफेक्ट होकर आप शेयरों में इन्वेस्टमेंट करने लग जाएं। हमने एक व्यू देख लिया कि रेलवे स्टॉक में कुछ चीज़ें सरकार कर रही है तो हमें रेलवे अच्छा लग रहा है, ये एक व्यू है। पटेल इंजीनियरिंग में अगर कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो वो अच्छी है। NHPC में कुछ चीज़ें आगे की परियोजना के लिए है वो अच्छी है। कि बैंकिंग सेक्टर में क्या चीज़ें हो रही हैं उस पर एक व्यू बनाइए, ये नहीं कि आप दिन प्रतिदिन कोई आपको टारगेट ये वो बताए और उसमें आप विचलित हो जाएं और फिर आपको लगे यार हो तो कुछ नहीं रहा है, क्योंकि यस बैंक ने काफ़ी दिनों से भाग रहा है। अब यस बैंक की रणनीति आपको आगे तक की देखनी है। तो हमें एक ऐसी सोच बनानी है शेयर मार्केट में, कोई सा भी वो सेक्टर हो, उस सेक्टर से जुड़ती हुई चीज़ें आगे की ओर अगर आती रहें, यानी कि फेस्टिवल सीजन तो गोल्ड, इलेक्ट्रिक चीज़ें, FMCG, लाइटिंग, इस तरीके की चीज़ों में इफ़ेक्ट डालती है,
तो हर एक सेक्टर हर एक चीज़ों के साथ चलता है, वो आपका व्यू है। अब उस चीज़ को आपको लगाना है। देखो सर, एक चीज़ बताएं कि अगर राखी का कोई त्यौहार आया तो राखी जो बिकेंगी, क्या वो राखी के बाद भी बिकेंगी? अब क्या होगा, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगा। यानी कि अब अगले साल देखेंगे ना राखी में भाई किस तरह से हम दुकान लगाएं, किस तरह से क्या करेंगे। ये तो नहीं कि आप राखी की पूरे साल ही दुकान लगती रहेगी। तो वही शेयर मार्केट होता है कि कब आपका शेयर कौन सा कब भाग जाए, फिर आपको कब वहाँ पर अपने प्रॉफिट की मंशा बना लेनी चाहिए। कहने का मतलब है, अपने व्यू पर काम कीजिए, जो चीज़ें आगे हो रही हैं उसको समझिए। ज़्यादा न्यूज़ के आकर सोचें कि वो शेयर हमारे पास नहीं है, ये बड़ा इफ़ेक्ट मार्केट पर तो डाल ही रहा है और हमारे अंदर भी डालता है। फिर कह रहा हूँ, आसानी से शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता। ये बातें क्यों कह रहा हूँ सर, ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक दिन जब स्पाइस जेड में एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आई जिसके राकेश गंगवाल जो हैं इसके अंदर स्पाइस जेड में कुछ अपनी हिस्सेदारी लेने की चीज़ों के साथ दिखी और उस न्यूज़ ने शेयर को भगा दिया। ये तब हो गया कि रिटेल निवेशक इससे उत्तेजित हो गए और उन्होंने शेयर मार्केट में ख़रीदारी करनी शुरू कर दी कि कुछ चीज़ें होंगी। पर अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती स्पाइस जेड पर, मैंने परसों ही आपको बता दिया था कि ये एक न्यूज़ है और न्यूज़ ने अपना काम कर दिया और जब ये चीज़ें होंगी तब ये अपना काम करेगी। तो फिलहाल इसमें हमें उस स्थिति के अनुसार स्पाइस जेड को नहीं देखना चाहिए। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी सर, परसों की वीडियो देख लीजिए, मैंने आपको साफ साफ कह दिया था कि ये न्यूज़ है और आगे इसका इफ़ेक्ट तब और ज़्यादा पड़ेगा जब वो चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो है, राकेश गंगवाल जी के एक जो निजी बैंकर है उन्होंने इस चीज़ की पुष्टि कर दी है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और राकेश गंगवाल जी खुद परेशान है, चिंतित है कि इससे रिटेल निवेशक जो हैं अलग तरीके से अफवाहों की स्थिति में पड़ रहे हैं और वो खरीदारी भी कर रहे हैं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए सेबी से अनुरोध करेंगे। बैंकर ने बताया कि सेबी से अनुरोध कर रहे हैं भाई ये अफवाहें जो हैं इसकी जाँच की जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, एक दिन खुश तो दूसरे दिन उस न्यूज़ का पासा ही पलट गया जो आ रही थी। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि स्पाइस जेट ने अपने लॉस से प्रॉफिट में आया, यानी कि 789 करोड़ का जो लॉस 2022 जून में दिया उससे प्रॉफिट में 205 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जून 2023 में लाए। इसे देखना है, जिस तरीके से इनकी वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि जिस तरीके से मौसमी जो टिकट बुकें हैं ये मांग बढ़ी है, उसकी वजह से जो इनका रेवेन्यू बढ़ा है उसे देखना है। और दूसरी तरफ ये अपने खड़े विमानों को उड़ाने की स्थितियों में लग रहे हैं, उसे देखना है। और तीसरी तरफ मैंने जब आपको कहा था कि फ्लिपकार्ट अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें स्पाइस जेट के साथ साझेदारी कर रहा है, उसे देखना है। और दूसरी चौथा बार जब मैंने आपको बताया कि मैनकाइंड ने अपने ब्रांड को कुछ बढ़िया करने के लिए स्पाइस जेट का साथ लिया है, तो हमें उसको देखना है। ये मैंने कह दिया था और मैंने कहा था न्यूज जब वो चीज़ें होंगी तब उसको देखना है। तो स्पाइस जेट के साथ, इस न्यूज़ के साथ, देखो सर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी उस दिन कि ये जो न्यूज़ थी कि राकेश गंगवाल जी ने ये हिस्सेदारी ले रहे हैं, ये तो आज फेक नज़र आ गई। लेकिन मैंने उसी दिन कहा था कि इस न्यूज़ के साथ ही एक न्यूज और थी, इसमें जुड़ा हुआ चीज़ थी, वाक्य था, वो था सर कि एक दिवालिया प्रक्रिया वाली चीज़ें NCLT मुंबई में भी विचाराधीन है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये आपको भी समझना है, उसके ऊपर भी ये चीज़ें चल रही हैं। 5 अक्टूबर को इंजन लीज फाइनेंस जो है और स्पाइस जेट जो कोर्ट में इनके केस चल रहे हैं, वहाँ पर हाई कोर्ट ने कह दिया था कि इस मामले में जो इंजन लीज को कुछ पैसा यानी कि स्पाइस जेट से चाहिए और इसका जो केस कोर्ट में चल रहा है उसके लिए 16 अक्टूबर को यानी कि आज के दिन, यानी कि आज के दिन इस पर कुछ चर्चा होनी थी। लेकिन ये एक पॉजिटिव संकेत स्पाइस जेट में आया है कि स्पाइस जेट और इंजन लीज फाइनेंस जो है अंतरिम समझौते पर पहुंच गए हैं और फरवरी 2024 तक इस समझौते में अगली सुनवाई होगी, यानी कि फरवरी में फिर से इसकी एक सुनवाई होगी। उससे पहले स्पाइस जेट जो है $1 इंजन लीज फाइनेंस को देने की चीज़ों के साथ निकलेगा। ये समझौता इन्होंने आपस में एक अंतरिम समझौते पर पहुंच गया है
और ये भी देखा गया कि अगर इन चीज़ों के अनुसार स्पाइस जेट नहीं उतरता तो फिर से वो कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है। यानी कि जो मामला कोर्ट में चल रहा था अब ये एक अंतरिम समझौते में पहुंच गया है और दोनों ने एक समझौता कर लिया है। तो जब तक के तो यानी कि जनवरी 2024 तक तो अब यहाँ से एक प्रॉब्लम जो है इंजन लीज की तरफ से हटती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत जो है स्पाइस जेट में आ गया है। तो अब आपको समझना है कि हमें किसी भी न्यूज़ के हिसाब से अपनी रणनीतियों को तब तक नहीं बनाना है जब तक कि वो चीज़ें जिसने बोली है, जिसके द्वारा निकली है, वो उस बात की पुष्टि ना कर दे। समझ रहे बात सर? वोडाफोन आइडिया की जब एक रिपोर्ट आई कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये चीज़ें न्यूज में आई है, लेकिन फिर जब वोडाफोन आइडिया की तरफ से इस चीज़ को मना किया गया। इसी तरीके से राकेश गंगवाल जी जो हैं हिस्सेदारी ले रहे हैं पर उन्होंने खुद ये मना किया है आज। तो यहाँ दो चीज़ें हो जाती है सर। एक तो वो होता है कि किसी कंपनी को किसी कंपनी से ऑर्डर मिला और वो पुष्टि वाली चीज़ों के साथ आ रहा है तो उसे हम अच्छा मान लेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट कि मैं किसी चीज़ में ख़रीदारी कर रहा हूँ तो वो जब तक के हम नहीं बोलेंगे तब तक कि वो चीज़ें सही नहीं होगी। देखो सर एक चीज़ बताऊँ कि जब इस तरीके की कंपनियों में कोई बड़ा प्लेयर हाथ लगाता है, आपको पता है फ्यूचर ग्रुप में जब अंबानी जी का नाम जुड़ा तो फ्यूचर ग्रुप भागने लगा। अलोक इंडस्ट्री के साथ भी यही हुआ कि जब मुकेश अंबानी जी अलोक इंडस्ट्री में हिस्सेदारी ले रहे हैं तो वो भागने लगा। इसी तरीके से फिर वो क्या हुआ, नीचे की तरफ आए हैं। और अडानी भी जब इस तरीके की कंपनियों में कुछ अपने हिस्सेदारी लेता है, न्यूज आ जाती है, तो तब क्या होता है, तब वो कंपनियां भागने लग जाती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर वो नीचे आ जाती हैं। तो यही वो एक तरीका है कि हमें अपने को समझाना है कि किसी के किसी पे स्टेक लेने से उस पर रंगेते बाहर एक दो दिन तो आ सकती है, लेकिन पुष्टि जब उसकी हो जाए तब, और अगर उसकी पुष्टि हो भी गई तो तब भी आपको समझना है कि उस कंपनी की वैल्यू क्या बन रही है काम करके। तो जब कोई किसी पे स्टेक लेता है तो हमें खुद को समझाना है कि अभी उन चीज़ों के साथ उसका नाम जुड़ा है बड़े प्लेयर के साथ, जब वो उस तरीके से वर्क करेगा तब वो और अच्छा होगा। तो स्पाइस जेट की तरफ से, स्पाइस जेट में वो उजाले जो राकेश गंगवाल जी की तरफ से आए थे उसके अंदर वो चीज़ें अब नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। चलो ये भी सही है कि अभी हमें जल्द ही इस बारे में पता लगा। तो किसी भी खरीदारी करने से पहले न्यूज़ की पुष्टि होना भी बहुत हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर वही चीज़ आ जाती है कि फेक न्यूज़। तो इसलिए फेक न्यूज़ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचना है, और जब तक कि हम इन चीज़ों के अनुसार अपनी शेयर मार्केट की यात्रा को सही नहीं करेंगे तब तक हमें तो आगे जाकर धोखे होंगे। इसलिए मैंने उसी दिन आपको वीडियो बनाकर बता दिया था कि राकेश गंगवाले वाली चीज़ों ने काम कर दिया, लेकिन आगे जब काम होगा, जब ये वो चीज़ें कर देंगे। फिलहाल तो हमें इसकी जो पहली जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और प्रॉब्लम है उसको देखकर हमें चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर पुष्टि हो गई कि एक फेक न्यूज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि MMTC जिस तरीके से अभी टेंशन की चीज़ों के साथ है, लेकिन इसके शेयर ने तो आज भी 8 से 9 रुपये भाग कर दिखा दिया। एक कमेंट आया सर MMTC में तो लग रहे थे ताले, लेकिन ये तो भाग गया। देखो सर एक चीज़ बताएं कि जो न्यूज़ हमने देखी वो जी बिजनेस में थी, जिसके अंदर हमें यकीन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एक उच्च स्तरीय बैठक जो है 23 अक्टूबर को होने वाली है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री और उद्योग मंत्री जो हैं पीयूष गोयल जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। यहाँ पर वो चीज़ें भी न्यूज में थी कि एक नीति आयोग ने इसके ऊपर एक अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है, वो भी काम कर चुका है, और वाणिज्यिक विभाग में इन कंपनियों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों को समझकर तो चाहे शेयर भागता रहे तो हमें तो डर लगेगा ही। मैंने आपको कहा है कि अपने को शेयर मार्केट में बचाना है। सरकार ने अपना रास्ता पहले के साफ कर रखा है कि इस कंपनी को हम डिलीट कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो कंपनी आज भी भाग गई, इसकी वजह से फिर अगर हम लालच में आ रहे हैं तो वो भी आपको समझना है। कल मैंने आपको जब इस पे वीडियो बनाई तो मैंने आपको कहा था कि हो सकता है, जब हो सकता हो जाता है तो 50-50% चांस हो जाते हैं। और मैंने कहा था कि मैं न्यूज़ के बेस पर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपको क्या कहा था कि मैं न्यूज़ के बेस पर आपकी वीडियो बना रहा हूँ, और स्टेटमेंट जो सरकार ने पहले भी दे चुके हैं कि इसको बंद करेंगे, और नीति आयोग, ये तो चीज़ पुष्टि वाली है। अब 23 अक्टूबर को अगर कुछ रणनीतियाँ अलग हो गई, देखो सर ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से लिथियम का भंडार
जम्मू एंड कश्मीर में मिला, और ये कंपनी जो MMTC है, आपको जैसे खनिज और लिथियम में भी ये वर्क करती है, उसके अंदर एक अच्छी दिशा भी देख सकती है, ये कंपनी वही काम कर रही है। और बीते दिनों अगर आप एक न्यूज़ देखें जिसके अंदर 3 खनिज के लिए रॉयल्टी भी चीज़ों के साथ सरकार निकला था, जिसके अंदर लिथियम सर था, और लिथियम का भंडार एक मैंने आपको बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में मिल रहा है, और उस तरीके से ये अपनी रणनीति जो है MMTC इस तरीके से खनिज की प्रमुख खनिज की चीज़ों के लिए साथ भी कर सकता है। मेरा मानना या मेरा समझना और ये चीज़ मुझे दर्शा रहा है, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सरकार ने इस कंपनी को बंद करने का जो पहले एक चीज़ें सुनाई, दूसरी तरफ वाणिज्य विभाग को इस ऐसी कंपनियों की ज़रूरत नहीं है, तीसरी तरफ अगर हमें देखना है कि अगर इस तरीके की खनिज में ये कंपनियां काम करती है तो क्या इसके अंदर जो उच्च स्तरीय बैठक हो रही है सर वहां पर क्या कहा गया था, ताले लग सकते हैं, क्या इसके ऊपर एक समीक्षा भी हो सकती है, क्या वो खनिज वाली चीज़ों के साथ ये कंपनी जुड़ सकती है, तो ये भी हमें एक अपना व्यू बनाकर चलना पड़ेगा कि क्या वहाँ पर क्या हो सकता है। देखो सर 23 तारीख अभी आई नहीं है और उससे पहले इस शेयर ने दिखा दिया तेजी, और उसकी वजह से फिर इसके अंदर मैं एंट्री करें कि इसने आज से तेजी दिखाई है, और वो तब जब एक न्यूज के द्वारा इस कंपनी की बंद करने की स्थितियों में आया है। तो मुझे लगता है सर इस कंपनी से फिलहाल हमें दूर की स्थिति बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो भी सही नहीं कि जो हमारे सामने है हम उससे भी हटके दूसरी चीज़ सोच लें कि नहीं जी ये कंपनी बंद नहीं होगी। लेकिन एक समझना है कि 23 अक्टूबर को जो इसके अंदर चीज़ें होंगी उस पर हमारा विशेष ध्यान जाने वाला है, इसलिए थोड़ा अपने को बचाना सर, अपने को बचाएंगे तभी आगे जाकर कुछ पाएंगे, नहीं तो लालच में तो सब कुछ जाता ही रहेगा सर। तो वो भी स्थिति अब हमें देखनी पड़ेगी कि 23 अक्टूबर को इस कंपनी में होने क्या वाला है, और उससे पहले इसके अंदर कुछ भी चीज़ करना जल्दबाजी कराएगी, क्योंकि हमारे सामने न्यूज कल ही आई है, उस पर भी हमें विशेष ध्यान देकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे, लोग कहते हैं सर IRFC, RBNL, आरकॉन और रीट्स जैसे और टेढ़ागढ़ जैसे शेयरों में हमें क्या करना चाहिए। मैंने आपको एक चीज़ बताई, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि अगर आप अपने व्यू पे काम करते हैं, देखो सर मैंने जितनी भी शेयरों पे वीडियो बनाई है सारे व्यू के अनुसार बनाई है। RBNL काफ़ी नीचे था तो वहाँ पर भी स्थिति मैंने आपको इसके बारे में दिखाई थी। टेढ़ागढ़ जब वंदे भारत ट्रेन और भेल का आपस में ये चीज़ें बनाने के साथ उतरा तो तब भी मैंने आपको वहाँ पर रणनीति दिखाई है। इरकॉन के लिए भी मेरी एक वीडियो बन चुकी है और IRFC में भी मेरी वीडियो बन चुकी है। तो सर सबके काम को आपको समझना है कि IRFC जो है फाइनेंस के लिए काम करता है और ये रेलवे को फाइनेंस करता है। तो यहाँ अगर हमें ये समझना है कि अगर रेलवे का आधुनिकरण होगा तो वहाँ इसकी वैल्यू भी है, उस वैल्यू पर अगर आप काम करिए सर, नहीं तो शेयर तो नीचे ऊपर होंगे। RBNL अगर आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, दोहरीकरण, विद्युतीकरण इन चीज़ों में काम नहीं करेगा, अगर ये हमने सोचा कि नहीं करेगा फिर ये शेयर हमारे पास क्यों है, तो ये काम करेगा ना। मोदी सरकार जितना ज़्यादा अपना ध्यान रेलवे को बेस्ट करने में बना रही है ये आपको समझ लेना चाहिए। और अभी हाल ही में रीट्स और आपको इरकॉन जो है नवरत्न कंपनी का भी दर्जा इन कंपनियों को मिल चुका है, तो यहाँ से आपका एक वातावरण जो है रेलवे के तरफ पॉजिटिव संकेतों के साथ है। फिलहाल अब आपको समझना है, मैंने आपको ये फिर एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अब 2024 के चुनाव और जितनी भी परियोजना गवर्नमेंट की है वो इस सरकार के आने से और बढ़ जाएगी। अगर ये सरकार नहीं आती तो वो परियोजना पे जरूरी नहीं कि विपक्ष उस चीज़ को फिर से उसे लागू करेगा। सरकार किसी की भी आए पर हमें अपना एक व्यू बनाना है। जब जब चुनाव की स्थिति सामने आती है तो ऑपरेटर बड़े जाग जाएंगे, वो उस स्थितियों में शेयरों में अपनी धाक जमाएंगे कि अगर यही सरकार आई तो वो अपनी अलग रणनीतियों के साथ इन शेयरों की तरफ बढ़ेंगे बेचकर, और जब सरकार बने फिर से नीचे खरीद के ऊपर की तरफ जाएं। और अगर उनकी रणनीति इस तरीके से बनी भाई ये सरकार नहीं आएंगी और उन्होंने पहले ही बेचे जैसे आप बताएंगे FIs भाग रहे हैं और सरकार नहीं आई तो ये और शेयर जितने भी हैं गिरते जाएंगे। तो उन रणनीतियों को मैं आपको समझा रहा हूँ कि आगे आने वाले हैं चुनाव, और चुनाव को देखते हुए जितनी ज़्यादा परियोजना सरकार की तरफ से रेलवे में निकली है वो उनके होने के बाद और तेज़ी के साथ भागी, विकास हो रहा है रेलवे में,
और विकास के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि किसी विकास को करने के लिए सरकार के दिशा निर्देश और उनकी चीज़ें जो होती हैं वो भी एक दिशा देती हैं कि जब सरकार वही रहेगी तो और आगे, और सरकार वो नहीं रहेगी तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम। तो अब शेर जितने भी अच्छे अच्छे काम करें पर वो सारा का सारा इफेक्ट आने वाले आगामी चुनाव जो हैं उस पर डालेगा। तो इसलिए इस साल थोड़ा आपको रणनीतियों पे काम करना है। देखो सर, जिनका व्यू होता है कि भाई शेयर को 5 से 10 साल, फिर तो उन्हें गिरावट को देखना ही नहीं चाहिए, फिर तो उन्हें आए जाए सरकार उससे माता होने नहीं चाहिए, फिर तो उन्हें अलग अलग चीज़ें, जैसे कोरोना 2020 में आया था, जो लॉन्ग इन्वेस्टर थे वो तो टेंशन ली नहीं होगी, उन्होंने छोड़ ही रखा होगा। तो वो एक व्यू मैं आपके लिए बना रहा हूँ। लोग कहते हैं सर आई आर एफ सी आरविनल, बीते दिनों ऑर्डर मिलते हुए आरविनल, आईकॉन, इन चीज़ों के साथ सारे शेयर निकले हैं। और एक व्यू जो हमारा शेयर मार्केट में है वो ये है कि अब हमें संभल कर शेयरों में धीरे धीरे अपनी अलग चीज़ों की रणनीति आने वाली चीज़ों के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर आ चुका है और अब ये फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपको वैसे ही शेयरों में कुछ ना कुछ रंगीनता भारे दिखेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आगे की रणनीति 2024 इस बार का चुनाव बहुत वैल्यूबल मार्केट में भी और हमारे ऊपर भी डालेगा, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। इसलिए उस रणनीति से आज मैंने आपको वाकिफ IRFC के देखने के नज़रिए, RVNL को देखने के नज़रिए और बाकी रेलवे स्टॉक को देखने के नज़रिए बताए हैं। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक व्यू बनाइए, कम से कम 4-5-6 महीने का उस पर वर्क कीजिए, और अगर आपको वो व्यू समझ में आते हैं तब जाकर आपको कुछ अच्छा मार्केट से हो सकता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, रेलवे के स्टॉक आपको बेहतरीन तरीके से तो इस साल तो भागते हुए सारे ही दिखाई दिए हैं, और अगर आपकी रणनीति आगे की तरफ है तो जो ये व्यू पे मैंने आज आपको बताया इस अनुसार आपको आगे की दिशा देख लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ दूर की चीज़ पहले ही पता लग जाए उस पर भी काम किया जाए, उस पर अच्छा ही संकेत आते हैं। तो इसी तरीके से MMTC फिर से भाग रहा है, और वो तब जब एक उच्च स्तरीय बैठक 23 अक्टूबर को होने वाली है, और इस बैठक से नज़रिए इस कंपनी के साफ साफ हो जाएंगे कि ये कंपनी आगे चलेगी या फिर इस कंपनी में लगेंगे ताले। तो सारी रणनीति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। स्पाइस जेट जहाँ तेजी के संकेत एक ही न्यूज़ से आए थे और उसी न्यूज़ ने आज पासा पलटा, तो यही चीज़ मैंने आपको कल परसों ही बता दी थी कि भाई इस न्यूज़ पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं, बाकी इसके जो स्पाइस जेट के काम है उस पर ध्यान देना है। इंजन लीज फाइनेंस और स्पाइस जेट अंतिम समझौते पर पहुंच गए हैं। अब ये चीज़ें हाई कोर्ट में वही 2024 में फिर से चीज़ें हो सकती हैं, उससे पहले जो इनको निपटारा करना है अगर इन्होंने बाहर कर लिया तो स्पाइस जेट में बाहर आ सकती हैं। फिलहाल तो ये चीज़ों की टेंशन से स्पाइस जेट हट गया है कि उन्होंने अलग समझौते की चीज़ों के साथ निकले हैं। तो हर एक दृष्टि को सर अच्छा बनाते जाइए, न्यूज पर विशेष ध्यान रखिए, कोई भी न्यूज किसी भी शेयर का पासा पल भर में पलट सकती है और उलट सकती है, पर उस रणनीति को आपको समझना है कि किसी भी न्यूज को ज़्यादा इतनी उत्तेजना के साथ और इतनी निराशा के साथ नहीं लेना है, क्योंकि जो भी चीज़ होगी वो तो मार्केट पर ही होगी और तब जाकर आपको पता लगेगा भाई वो तो चीज़ें हुई नहीं थी, तो हर स्थिति में आपको ढालना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ समझ कर देखिए। जो शेयर तेजी की तरफ है जरूरी नहीं वो अच्छे हैं, जो शेयर गिर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो बेकार है। इसलिए हर एक स्थिति को आपको समझना है कि आसानी से शेयर मार्केट में पैसा कोई भी हमें कमाने नहीं देगा। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।